नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम जीके में बिहार के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। बिहार के नाम से ही इसकी प्राचीनता प्रकट होती है। वस्तुतः बिहार विहार शब्द का तद्भव है, जिसका अर्थ होता है मठ, अर्थात भिक्षुओं का निवास स्थान। बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें लिखी गई है, न देख रहे हैं। प्रमुख तथ्य एक दृष्टि में, बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च। देखिए कुछ तिथियां लिखी गई हैं, मैं उनकी चर्चा करते रहा हूं। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को बिहार को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की घोषणा दिल्ली दरबार में की गई। फिर 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार उड़ीसा सहित को प्रांत के गठन की विधिवत घोषणा हुई, अर्थात अधिसूचना जारी की गई। इसलिए 22 मार्च को बिहार राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1 अप्रैल 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के बाद बिहार ने प्रांत के रूप में अपना कार्य शुरू किया। 28 मार्च 1936 ईस्वी को बिहार के लिए अलग विधान परिषद के गठन का आदेश हुआ। 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार और उड़ीसा अलग अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आए, अर्थात 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा जो पहले एक ही में थे, दोनों अलग अलग हो गए। फिर 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ। इस तरह इन तिथियों से जीके के कई सवाल बनाए जा सकते हैं, इनको आप स्मरण में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार की राजधानी पटना है, उच्च न्यायालय पटना है, पटना हाईकोर्ट है, राजकीय वृक्ष पीपल। राजकीय का अर्थ होता है राज्य का या राज्य संबंधी। बिहार एक राज्य है तो बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है, राजकीय पुष्प अर्थात राजकीय फूल गेंदा, राजकीय पशु बैल है। पहले रिच था, 2013 से पहले रिच था राजकीय पशु। राजकीय पक्षी गौरैया है, पहले नीलकंठ था। आगे देखते हैं। सीमाएं चौहत्ती, अर्थात हमारा राज्य बिहार चारों तरफ से किन राज्यों से घिरा हुआ है। बिहार के उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। एक क्वेश्चन आता है कि किस देश की सीमा बिहार से लगी हुई है। बिहार से नेपाल की सीमा लगी हुई है। प्रमंडल 9, बिहार में 9 प्रमंडल है, उनके नाम यहां लिख दिए गए हैं। प्रमंडल को इंग्लिश में कमिश्नरी कहा जाता है। पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, हम लोग सारण प्रमंडल में रहते हैं। सारण प्रमंडल में 3 जिले हैं, एक सारण जिला, एक सिवान जिला और एक गोपालगंज जिला। जिला 38 बिहार में, कुल जिलों की संख्या 38 है। अनुमंडल 101, विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 243 है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है। लोकसभा क्षेत्रों की संख्या 40 है और राज्यसभा क्षेत्रों की संख्या 16 है। आगे देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना।
सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा। इन चारों पॉइंट्स को देखते हैं, इसे बिना याद किए भी हम याद रख सकते हैं। देखिए बिहार में 38 जिले हैं, उन 38 जिलों को अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जगह पश्चिमी चंपारण को लिखने में लगती है। पश्चिमी चंपारण सबसे ज्यादा अक्षर वाला जिला है। ऐसा नियम नहीं होता है कि जो सबसे बड़ा दिखाई दे वो बड़ा होता ही है, लेकिन यहां हम इस आधार पर इसको याद रख सकते हैं। 38 जिलों में पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा है, इसीलिए क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला हो गया। आप हमेशा के लिए याद कर सकते हैं 38 जिलों में पश्चिम चंपारण एक ऐसा जिला है जो सबसे बड़ा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला हो गया पश्चिमी चंपारण। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर। शिव महादेव को कहा जाता है, कहीं भी ईश्वर के लिए घर होता है या जगह जो होता है वो सीमित रखा जाता है ताकि उसको शुद्ध रखना पड़ता है, तो सीमित जगह रखा जाता है। तो सबसे छोटा जिला हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से शिवहर। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है, राजधानी है, इसलिए सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हो गया। इस तरह आप याद कर सकते हैं। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा। शेख इस्लाम धर्म के उपदेशक होते हैं, इस्लाम धर्म वाले अल्पसंख्यक में आते हैं, अल्पसंख्यक का अर्थ नहीं होता है कम संख्या। तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा हो गया। तो इस तरह सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी चंपारण बड़ा है, ज्यादा अक्षर है, इस आधार पर हम याद कर सकते हैं। सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से शिवहर, शिव लगा हुआ है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज, सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद, सबसे गर्म जिला गया, सर्वाधिक ठंडा जिला भी गया। सर्वाधिक गर्म जिला गया, सर्वाधिक ठंडा जिला गया। जलवायु मानसूनी है। सबसे बड़ा नगर पटना है। एक दो पॉइंट और देख लेते हैं। बिहार की सबसे लंबी नदी गंगा है, भारत की भी सबसे लंबी नदी गंगा है। ऐसे देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई गंगा से ज्यादा है, लेकिन उसका बहुत कम भाग ही भारत में है, इसलिए भारत की सबसे लंबी नदी गंगा को कहा जाता है। बिहार का सूप कोसी नदी को कहा जाता है, बिहार का सूप कोसी नदी को कहा जाता है। इसी के साथ बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातों की जानकारी समाप्त हुई। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।